हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू के क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। ये मैंने आटा लिया है, आटे में नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से पानी डाल के गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, इस तरीके से गूंदें और उसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम पराठे बनाएंगे। ये मैंने आटे का पेड़ा लिया है इस तरीके से। इस तरीके से करेंगे, आटा ज़्यादा नहीं लेना है, हाथ से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर आलू का भरता रख देंगे। आलू को इस तरीके से दबा के बंद करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आलू का भरता कहीं से नहीं निकला। सूखा आटा लगाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब हम बेलेंगे, हल्के आँच से ही बेलना है। अगर ज़्यादा तेज़ बेलेंगे तो इसका भरता जो है बाहर निकल सकता है। पराठे को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला। अब हम तवे पर बटर लगाएंगे। इस तरीके से पराठे को रख देंगे, पलट देंगे, बटर लगाएंगे, फिर से पलटेंगे, इसको ऊपर से लगाएंगे बटर। इस तरीके से दबा के सेकना है तो हमारा पराठा जो है फूल जाता है एकदम। ये देखिए, पराठा बनके रेडी हो चुका है।